लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर और लॉकडाउन ने गरीबों की जिंदगी में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। जिस भी शहर की बात की जाए तो रास्तों पर सिर्फ धूप में पसीना बहाकर अपने घर तक जाता हुआ मजदूर या गरीब ही दिखाई देता है। बैल के साथ इस बैलगाड़ी को खींचते हुए इस युवक की तस्वीरें सामने आई हैं इंदौर बाईपास से, जहां मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाले राहुल को बैल के साथ इस गाड़ी को खींचना पड़ रहा है। दरअसल लॉकडाउन लग जाने के कारण राहुल को काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद जैसे तैसे कुछ दिनों तक गुजारा किया। लेकिन जब हालात बद से बदतर हो गए तो राहुल को अपने बैल की जोड़ी में से एक 15,000 का बैल मात्र 5,000 में बेचना पड़ा और थोड़े बहुत पैसे जुटाकर राहुल अपने परिवार के साथ अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। राहुल ने बताया कि कुछ दूर तक वो बैल के साथ बैलगाड़ी खींचता और उसे थक जाने के बाद कुछ दूर तक उसका भाई बैलगाड़ी खींचता। जिस सड़क पर रफ्तार के पहियों पर ब्रेक लगाने मुश्किल है, वहीं ये मजदूर एक एक कदम पर संघर्ष करने को मजबूर है। और इन तस्वीरों को देखकर भी इन गरीबों की तकलीफों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। न्यूज़ डेस्क।